नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि है भीम बेटिका की गुफाएं, जो कि भोपाल में स्थित हैं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये आदिम युग की गुफाएं हैं, यानी कि पुराने समय में यहाँ आदि मानव रहा करते थे। इसके संकेत यहाँ की पेंटिंग्स देती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि पुराने एंशंट युग को दर्शाती हैं। जो सबसे पुरानी यहाँ की पेंटिंग है वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। इस पूरी प्लेस में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन 15 गुफाएं ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन की गई हैं। इन सभी गुफाओं को हम देखेंगे, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे गाइड की मदद से। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं भीम बेटिका की गुफाएँ। तो भीम बेट का नाम मिला है, बहुत यूनिक साइट है और आप एक अच्छे समय पे आए क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है ना, और इन्हीं दिनों में ही साइट देखा जाता है। एंशियंट रॉक पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है भीम बेट का से स्टार्ट होता है। देखिए, सिंधु, हड़प्पा और इंडस वैली को आपने और हमने अपने बचपन में पढ़ा है, पर आज जो न्यू जनरेशन आ रहा दीदी, उसमें बच्चों के हिस्ट्री का पहला चैप्टर भीम बेट का है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृतियाँ हैं। किसके बाद ये टेम्पल फोर्ड या आइकनोग्राफी, आपने सांची स्तूप पे कई सारी चीज़ें देखी हैं, और इन्हीं चित्रों को आज आदिवासी अपने घरों में बनाते हैं। तो बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली और हमारे यहाँ गोंड ट्राइब्स हैं, तो हम इन्हें गोंड चित्रकला कहते हैं दीदी, ठीक है। तो फिगर में देखिए, एक एलिफेंट दिख रहा है जिसके टस्क आपको दिख रहा है, दूसरे पे ये मानव सवारी कर रहा है, और नीचे एक ऑक्स का एक स्केलेटन है जिसके बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो एज ए प्रीमेटिव टाइम में लोग यहाँ रहते थे, और कहानी है कि जंतु जानवर का शिकार करना, उसका मांस खाना, और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड होने लगी तो उन्होंने इन पेंटिंग को बनाना प्रारंभ किया, है ना भैया। इस फिगर का एज ऑफ डेटिंग आज से करीब 2000 साल पुराना है, और इससे भी ज्यादा पाषाणकालीन फिगर हम आगे देखेंगे। इनकी कार्बन टेस्टिंग का अप्रूवल होने से ये भीमबेटका 9 जुलाई 2003 से विश्व धरोहर है, जिसे अभी आप मध्य प्रदेश में विजिट कर रहे हैं तो खजुराहो, सांची और ये भीमबेटका तीनों वर्ल्ड हेरिटेज है। आप अजंता जाइए तो वहाँ गुफाओं में चित्रकारी हैं, और हमारे यहाँ ये शेल्टर हैं जो मॉनसून में बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाने देते हैं। रॉक ने भी इन सब कलर को अपने अंदर एब्जॉर्व किया दीदी ना, और जैसा क्लाइमेट पहले था या आने वाले सालों में भी रहा, तो ये फिगर यहाँ कई सालों तक रह सकते हैं। स्टेचू जो दिख रहे हैं ये आर्टिफिशियल हैं, किस टाइप के लोग यहाँ रहते थे, और यहाँ पे एक्सकेवेशन में कुछ औजार मिले हैं जिनसे मानव सभ्यताएं शिकार किया करती थी, पाषाणकालीन औजार जो आप एनी टाइम भोपाल स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं ना भैया। खुदाई के दौरान मिले हैं दीदी, इसको टोन टूल्स ना, कि ऊपर का जो माउंटेन जो दिख रहा है, तो ये सब यूनिक फॉर्मेशन है ना, और इसके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ कभी पानी रहा होगा दीदी। बात उस समय की जब मानव सभ्यता प्रारंभ नहीं हुई थी, ये जब हिमालय भी पानी में, तो ये होल जो दिख रहे हैं, सफ़ेद जो लाइनें जो दिख रही हैं, ये सब वाटर एंड विंड का इरोजेशन है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कभी यहाँ रिवर ऑफ नर्मदा होगा, क्योंकि ये सैंडस्टोन भारत में नर्मदा ही बनाता है। इतने ऊपर तक बात है जब मानव सभ्यता ही प्रारंभ नहीं हुई थी। तो ये जिन पहाड़ों पे आप हैं, ये विंध्याचल पर्वत है, और ये कभी गोंडवाना का पार्ट था जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में नीचे से ऊपर आया है। इसी का कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को डिवाइड हुआ, फिर हिमालय और न्यू माउंटेन बनना स्टार्ट हुए, और जब मानव सभ्यता यहाँ आई है तो उसने वो पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, वो एलिफेंट्स वगैरह जो दिख रहा है, वैसे फिगर आगे भी हमको मिलेंगे, इन चित्रों को बनाना प्रारंभ किया है। और ये रॉक आर्ट जो है, ये मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृतियाँ हैं। पांडव्स का इतिहास ऐसा रहा है कि यही विंध्याचल और नर्मदा के आगे सतपुड़ा के जंगल आगे जाके हमारे यहाँ दंडकारण्य में कन्वर्ट होते हैं। तो पांडव यहाँ वनवास का कुछ समय आके व्यतीत किए हैं। इन पहाड़ों पे, गुफाओं पे भीम बैठते थे, तो नाम इसको बैठ का मिला है, द सिटिंग प्लेस ऑफ भीम। पर पेंटिंग का पांडव से रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनसे भी पुरानी है। और दूसरा रीज़न है ये भीम का है, भीम माने बड़ा और बैठ का यानी बैठने की जगह, है ना। आइए, ऐसे कुछ फिगर हैं जो वाइट, रेड, येलो, ग्रीन कलर में हम शो करेंगे। आइए आपको, तो ये सब गुफाएं नेचुरल हैं, है ना दीदी, और इन गुफाओं का इतिहास प्राचीन है। इन गुफाओं में लोग रहते थे, और इसकी बनावट के आधार पर इसको एक एम्पी थिएटर नाम दिया, सभागृह। एक कहानी है कि जब बारिशें होती थी उस समय, तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। अब आप एक कल्पना कीजिए कि वहाँ एक चीफ या लीडर होता था ऊपर, देखिए, जो वहाँ से खड़े होकर यहाँ वाले ग्रुप को प्रेजेंटेशन देता था। तो उसकी बनावट के आधार पर इसको ऑडिटोरियम, सभागृह नाम दिया है। और ये कटाव सब नर्मदा के वाटर्स के अंदर रहा है। ये रॉक्स पे ये जो सफ़ेद लाइनें जो दिख रही ना आपको, ये सब वाटर की वेलोसिटी हैं, करंट। और ये लाइनें शो करती हैं कि पानी यहाँ से मूव करता था 250-300 करोड़ बरस पहले। आइए, तो प्री हिस्टोरिक साइट है, इस जगह से पुराना कुछ भी नहीं है।
और ये देखिए एक एक्सकेवेशन से ना, यहाँ जाइए, पास आइए थोड़ा सा, और ये देखिए स्टोन इस तरफ आइए थोड़ा सा, ये देखिए काफ़ी शाइन कर रहा है स्टोन दीदी ना, इसको टच करिए तो आपको काफ़ी ठंडा लगेगा। देखिए आइए थोड़ा सा, तो ये सैंड स्टोन की एक टॉप क्वालिटी सर, इसको क्वार्ट्जाइट कहते हैं, और ये नहीं कि आपके हाथ लगाने से चिकना हो गया, नहीं दीदी, डायमंड्स के बाद सबसे हार्ड यही होता है। तो जब ये वाटर में था तो इसका कंपोजिशन इतना प्रेशर में हुआ है कि ये मिनरल्स के रूप में माइका बाहर आ गया, तो उस पर लोहा काम नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे यहाँ बाद वालों ने कभी इन पहाड़ों पे सर मूर्तियाँ नहीं बना पाए है ना, तो ये बहुत हार्ड क्वालिटी है। और पेंटिंग्स वगैरह भी है यहाँ पे, मेरे पास आइए, और ये देखिए एक रेड फिगर, आइए इस तरफ दीदी, थोड़ा सा चलना पड़ता है, 10 मीटर 15 मीटर है, आप एक प्री हिस्टोरिक साइट पर, एक जंगल को रोक के मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और ये देखिए मैजो लेते के मैडम जी, इधर आइए, पास आइए यहाँ पे, ये मध्य पाषाण काल 5000 BC का फिगर, ये बच्चों के हिस्ट्री का फर्स्ट फोटो यहीं से स्टार्ट होता है, ये वो समय था जब मानव जाति ने एनिमल के शिकार के साथ साथ दीदी अब पशुपालन की शुरुआत कर दी। ये कलर ऑफ रेड होता है हेमेटाइड, लाल पत्थर गेरू होता है ना दीदी, और उस गेरू में कुछ जंगली जड़ी बूटियों को मिला के ट्री ब्रांचेस के ब्रश से पेंटिंग बनाया गया है। कार्बन टेस्टिंग में एक आइसोटॉप टेक्निक होती है, उसके द्वारा इनकी एज को आइडेंटिफाई किया है, और 9 जुलाई 2003 से ये वर्ल्ड हेरिटेज है, खजुराहो, सांची और ये भीमबेटका। तो इस पेंटिंग में ये ऊपर पीकॉक बना हुआ, ये देखा आपको, जिसका ये हेड, पीछे के फैदर दिखते हैं, ये बुल बना हुआ है, ये ऑक्स भी है, ये टॉप पेंटिंग देखिए डियर के हैं, और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया है ना, उसमें एक छोटा सा बेबी रहा होगा, जिसके देखिए एक ब्यूटीफुल हैंड को दिखाया है ना, और ये स्टिक फिगर कुछ बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए, जो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर पुराना है दीदी। और इनके बचे रहने का रीज़न है ये जंगल, जो पॉल्यूशन फ्री है, और यही क्लाइमेट रहा तो ये फिगर यहाँ 2-3 हज़ार साल और रह सकते हैं। और ये पूरा वर्टिकल देखिए सब यूनिक है, कि कुछ भी टूटते हुए या गिरते हुए नीचे नहीं आया है। तो अरावली, राजस्थान और दिल्ली और ये विंध्याचल दोनों प्राचीन है, आइए, और समुद्र के सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है, आइए। ये भी सर एक एक्सकेवेशन से जुड़ा रहा है, कुछ आर्कियोलॉजिकल वालों ने एक एक्सकेवेशन में कुछ पत्थर के औजार तो मिले ही हैं, जो हमने कहा ना म्यूजियम भोपाल देख सकते हैं, एक ह्यूमन स्केलेटन भी मिला है 5.5 फीट हाइट, और कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 साल पुराना, और इतने समय तक बचे रहने का रीज़न दीदी कि उस समय के व्यक्ति शायद नमक का यूज़ नहीं करते थे, इसलिए हड्डियाँ डिजॉल्व या डिकम्पोज नहीं हो पाएँ सर, तो रहने की वजह ये बताई गई सर। पर यहाँ के जो औजार मिले वो आप एनी टाइम भोपाल स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं, और उसी के सामने दीदी ट्राइबल म्यूजियम, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, कि उससे अच्छे म्यूजियम कहीं नहीं है सर। तो ऐसे एक्सकेवेशन जंगलों में बहुत हुए हैं, तो उस समय यहाँ रहने की गुफाएं, पीने के नेचुरल वाटर सोर्स, खाने में एनिमल मीट, तो जंगल में थे तब आदि मानव और जंगल से बाहर आदिवासी हो गए, मतलब आदि मानव से आदिवासी बनने की बिगनिंग यहीं से हुई है। और जब यही आदिवासी उत्तर भारतीयों को देखें तो आगे के चित्रों में आप हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग के इतिहास को भी देखेंगे। तो आइए, तो एक ही जगह पर अलग अलग समय का इतिहास यहाँ बना हुआ है। और यहाँ से खड़े होके ऊपर का वर्टिकल देखिए सर, इस हाइट तक पानी रहा होगा 250-300 करोड़ साल पहले, और समुद्र की लहरें जैसे स्टोन को काटती हैं, तो ऊपर के कफ्स जो दिख रहे हैं ये भी सब वाटर्स के द्वारा ही बना होगा, कभी ओसिन बताते हैं तो कभी नर्मदा यहाँ रही होगी। तो इस हाईवे से 20 किलोमीटर आगे ही नर्मदा है भैया, और ये पूरे जंगल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। राता पानी नाम है, अभी बारिश है तो काफ़ी ग्रीन है, अप्रैल मई में आएंगे तो काफ़ी ड्राई होता है, फिर जैसे ही बारिश होती है तो जंगल बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। तो जंगल सब कुछ देता है और मुफ्त में देता है, इसलिए लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं। आइए 10000 BC का फिगर दिखाएंगे, जो पूरे भारत में सबसे पुराना है। और पास आ जाइए यहाँ, यहाँ जाइए, क्योंकि ये पास आने का मतलब है कि ये छोटे फिगर आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे, और सबसे ज़्यादा चित्रकारी यहीं पे बना है। टेलीविज़न पे भी इस भीमबेटका के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री आप नेशनल चैनल, नेशनल जियोग्राफिक, इनक्रेडिबल इंडिया के, आपको याद है 90s में सुरभि आता था सर, उसका फर्स्ट एपिसोड हमारे यहाँ का है। उसके बाद दीदी ये प्रिंट मीडिया में उन साल में बहुत पॉपुलर हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था श्याम बेनेगल के, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। और ये देखिए एनिमल्स के फिगर काफ़ी हैं ना, और ये वही एनिमल हैं जो उस समय थे, जिन्हें देखा और जिनका शिकार हुआ है। 6th क्लास में बच्चों के हिस्ट्री का पहला फोटो यहीं से स्टार्ट होता है। 10000 BC का ये फिगर पूरे भारत में सबसे प्राचीन है,
और एनिमल्स के बिगर हंटिंग के बिगर फ्रूट्स नहीं मिलते थे, तो उन्होंने इस फिगर में मोस्टली एनिमल्स को ही दिखाया है। पेंटिंग के इस फिगर में ये लाइट जा रहा है, आप देख रहे हैं मैम, हैव यू सीन, एक ह्यूमन बीइंग है आदि मानव जो एक औजार लेके एनिमल्स को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर देखिए जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई तो उन्होंने एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया है जिसपे ये व्यक्ति सवारी कर रहा है और शो करता है कि एलिफेंट उस समय इन्हीं जंगलों में होते थे। पुराने 10,000 BC में आप आएंगे तो ये देखिए स्पॉटेड डियर, फिर ये एलिफेंट, फिर ये मंकी, फिर ये बारहसिंगा हिरन, और कई जगह इन्होंने एनिमल्स को मारने के बाद भैया जब बॉडी काटते थे और अंदर के रिब्स दिखते थे उसको भी शो किया है। तो ये वहाँ तक के फिगर आप जो देखेंगे ये पूरे 10,000 BC पाषाण युग के इतिहास को बताते हैं। तो 10,000-20,000 लोग रहते थे और एक ही जगह पे उन्होंने इतना फिगर बनाया है कि काफ़ी फिगर यहाँ ओवरलोपिंग में दीदी खराब भी हुए हैं। और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हो गई तो उन्होंने देखिए जब कल्टीवेशन करना चालू करा है तो उस फिगर को जिसमें ये मैन बिहाइंड दी ऑक्सेस देख रहे हैं आप, एंड ही स्टार्टेड द प्लॉइंग, जो कृषि की शुरुआत बताता है। और फिर जब इन्हीं लोगों ने उत्तर भारत में जो राजवंश हुए अशोक का, कनिष्क का, उनके इतिहास को देखा तो अब ये देखिए हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग और तीर कमान लिए हुए युद्ध और शिकार का इतिहास, कि एक ही जगह पर ये 10,000, 5,000, 3,000 और 2,000 सेकेंड सेंचुरी BC हर एज में अलग अलग लोग आते गए, जुड़ते गए, पेंटिंग बनता गया। और इंटरेस्टिंग है कि बाद वालों ने कभी पुराने को नहीं मिटाया और यही फिगर आज वर्ली एंड मधुबनी के नाम से पूरे भारत में फेमस है। दीदी अजंता आप जाएंगे तो वहाँ गुफाओं में रॉक आर्ट है और भीमबेटका नोटा केव्स पेंटिंग, यहाँ पे देखिए शेल्टर ये दिखा आपको जो बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाने देते हैं, और ऐसे फिगर इन जंगलों में ओवरऑल सभी जगह बना है। हाँ दीदी, तो ये सब करोड़ों सालों से वैसे ही बना है, पहले ये डिपॉजिट काफ़ी था, उस पर खड़े होकर फिर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, है ना। आगे तो एक एक दो दो चित्रकारियाँ सब जगह हैं, तो ये उनके घर हुआ करते थे और जब वो फ्री होते थे तो उसको बनाते थे। पर ये कभी नहीं सोचा गया कि हम चले जाएंगे और पेंटिंग्स रह जाएंगी। हमारे आर्कियोलॉजिकल के नंबर यहाँ 2 साल में वॉशेबल हैं और पेंटिंग के कलर इतने साल बाद दिख रहे हैं, तो इनके बचे रहने का रीज़न है यहाँ का क्लाइमेट और वंडर ऑफ नेचर। और एक फिगर ये वाला भी है, देखिए आइए ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर है ना दीदी, ये बच्चों को स्कूलों में सिखाते हैं ना आपको भैया, है ना, पूजाओं में बनाते हैं दीदी। तो यही पेंटिंग के पैटर्न आगे जाके हमारी प्रथाएं और मांडने जो राजस्थान में बनते हैं, पूजाओं में बनते हैं, तीज पे बनते हैं, है ना, विवाहों में बनते हैं, तो सब यही है। और यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न आज गुजरात एंड महाराष्ट्र में दीदी वारली के नाम से बहुत पॉपुलर है। तो भीमबेटका इज द बर्थ प्लेस ऑफ वारली, की सब यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जितना भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का वेगनिंग है वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ है और आज यही चित्रकारियां हमारी प्रथाएं और परंपराएं हैं। और के द्वारा कट कट के बन गया है, एक ज्योग्राफिकली फील होगा कि आप भारत के बीचों बीच खड़े हैं, 25-30 किलोमीटर दूर तक का दिखता है। तो मानसून में जब बारिश होती है तो नीचे का पानी बेतवा नदी के द्वारा जमुना और गंगा में और इन पहाड़ों का नर्मदा में चला जाता है। तो यहाँ से भारत 200 में बढ़ जाता है दीदी ना। अब आपको सबको ऊपर जाना है और वो टॉर्टॉइस देख के नीचे आइए, फिर अपन आगे चलेंगे ना सर। तो ऊपर जाइए, वहाँ से दिखेगा सामने एक रॉक है, बहुत बड़ा टॉर्टॉइस बन गया है, नेचुरल रॉक है, इट्स लुक्स लाइक अ टॉर्टॉइस, फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है, पीपल यूज टू लीव हियर। दीदी यहाँ से वो दूसरों को देखते थे, उन्हें कोई नहीं देख पाता था, है ना सर। कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेश है, ग्रीन है, थोड़ा बारिश नहीं हुआ है, पर फिर भी देखिए जनरली प्लांटेशन के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टियों में दबे होते हैं ना दीदी। और यहाँ देख रहे हैं आप डिपॉजिट पूरा ओपन है, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि मॉनसून में जब बारिश होता है तो यही प्लांटेशन जब बारिश का पानी एब्जॉर्व करते हैं और वाटर जब नीचे जाता है तो मिट्टी तो नहीं है, तो प्लांटेशंस के रूट्स के द्वारा पहाड़ों की परतों से नदियों में चला जाता है। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पत्थरों पर पेड़ लगने की कहानियाँ हमारे यहाँ सिद्ध होती हैं। उत्तर में आप जाएंगे दीदी, गंगा को पानी हिमालय के ग्लेशियर देते हैं और मध्य भारत में नर्मदा को पानी ये विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल देते हैं। नीचे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं दीदी, इसलिए आप देखिए प्लांटेशन में आपको हमारे हाइट मिलेगी, खूब ज़्यादा मोटा छोटा नहीं मिलेगा। तो जंगल जितनी जल्दी ग्रीन होता है उतनी ही जल्दी ड्राई हो जाता है ना। आइए तो सब पत्तों के जड़ें जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी।
सिर पे हाथ रख के देखिए, क्लैरिटी बहुत अच्छी दिख रही है। सांची आप गए हैं तो वहाँ आपने अशोका के बनाए हुए स्तूपा और बुद्धा जातक कथाएं देखी, और अशोका के इतिहास को देख के आदिवासियों को अब ये बिलीव हो गया कि इस दुनिया में हम ही नहीं, हम नए लोग भी आ गए हैं। तो हॉर्स देखिए काफ़ी क्लियर है, दिख रहा है आपको, घोड़े को सजाया गया है और ऊपर जो पर्सन सवारी कर रहा है, इट वॉज अ किंग ऑफ अशोका जो अपने ग्रुप के साथ युद्ध पे जा रहा है, या आप कहें जिसे बारात जा रही है। ये देखा आपको, ये इंटरप्रिडिक्शन देखिए। और इसी फिगर में ये सबसे ऊपर देखिए रेड कलर का लैपर्ड बना हुआ है, आइए थोड़ा सा, और इसको ये थ्री मैन हॉर्स पे राइडिंग करते हुए उसको मारकर शिकार कर रहे हैं। नीचे भी कुछ वाइट फिगर हैं जो उतने क्लियर नहीं है, रेड पेंटिंग यहाँ बहुत नया दिखता है। और जिस जगह पे आप हैं यहाँ से कल्पना करें तो ये बाहर वाली जो रॉक है ये ओपन फेस ऑफ द टाइगर, शेर का खुला हुआ जॉ दिख रहा है आपको, ये तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर है और 2nd century BC अशोका के इतिहास को बताया गया है। तो बहुत क्लियर पेंटिंग से, और उसके बाद एक गुफा भी है, चाहें तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना भैया, थोड़ा सा आइए, जाने दीजिए अंदर, हाँ रास्ता, हाँ हाँ चलिए चलिए आइए। 6 feet तक हाइट है, जाके देखिए काफ़ी ठंडा फील होगा, और जो बारिश में गर्म, गर्मी में ठंडा होता है, और बारिश में अभी बारिश का ना दीदी थोड़ा सा नमी है, अब तो पानी नहीं गिर रहा है, पर वो थोड़ा बहुत पानी इसमें क्रॉसिंग होती है दीदी हवा की, इसलिए ठंडा होता है। सर ऊपर छत से थोड़ा सा रिश्ता है, तो फिर स्टोन काफ़ी हार्ड है, देखिए दोनों तरफ से हवा आती है। नाइस केव, इट्स गुड हॉल कम लिविंग रूम, है ना, थोड़ा सा अंदर जाके देख सकते हैं। और ऐसी गुफाएं इन जंगलों में बहुत सारी बनी हुई हैं, ये तो नेचुरल इन्हें बनाई हुई है, पीपल यूज टू लिव हियर, जंगल जंगल सब कुछ देता है। आइए नहीं, मगर ये तो नेचुरल है, सब नेचुरल है, सब नेचुरल है, आइए देखिए, सोफिस्टिकेट है सर, जाके देख सकते हैं, बाहर से छोटा अंदर काफी बड़ा है, सोफिस्टिकेट केव्स है, पीपल दे यूज टू लिव हियर, काफी ठंडा केव्स था ना वो, तो जैसे वो रहने की गुफा हो गई, जिसे वो रहने की गुफा है, गर्मी नहीं लगे, और ये शेल्टर हो गया कि यहाँ आप खड़े रहिए तो बारिश का पानी भी है नहीं आएगा। तो गुफाएं और शेल्टर, और ये सब कार्व जो हुआ है सब नर्मदा के वाटर्स के अंदर ही हुआ है, बन गया है, करोड़ों साल पानी रहा है दीदी, है ना, बिगनिंग है ह्यूमन का, सभ्यताएं प्रारंभ यहाँ से हुई हैं, ठीक है। तो जाके इन्होंने राजस्थान में युद्ध लड़े हैं, तो राजस्थान इधर युद्ध भूमि है ना दीदी, और यहाँ पे जंगल जो है वो सब सर्वाइव करते हैं। चलिए धीरे धीरे चलिए, इस रॉक से बचिए, सिर बचाइए थोड़ा सा, धीरे धीरे आइए, थोड़ा फिगर और है ना, आराम से चलना पड़ेगा। एक कलर पेंटिंग्स भी यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन दिख रहा है आपको, और एक येलो कलर का भी फिगर यहाँ देखने को मिलता है, और पास आप देखेंगे आके तो बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि जो जो बढ़िया फिगर इस पेंटिंग का वो देखिए हॉर्स में आपको दिखाना चाह रहा था, अट्रैक्टिव फिगर देख रहे हैं आप। अशोका के इतिहास तक हम आ गए थे दीदी, इतना अच्छा है कि इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी फिगर हैं उसमें यह हॉर्स यहाँ बहुत अच्छा है। इस साइट की जो ऊँट तो दीदी राजस्थान में है, ऊँट इन जंगलों में क्या करता, तो जो चीज उस समय यहाँ थी उसी को देखी गई है। उस समय यहाँ कोई 10-20 लोग नहीं, 10-20 हजार लोग रहते थे, आधा भारत इन जंगलों में था। पर पेंटिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो सिलेक्टेड होते थे वही चित्र बनाते थे, क्योंकि दीदी ये उनके घर हुआ करते थे, और पेंटिंग बनाते समय ये कभी नहीं सोचा गया कि ये फिगर हजारों सालों तक रह जाएंगे। यहाँ का जो क्लाइमेट था सर, उससे रॉक ने कलर एब्जॉर्व कर लिए, नहीं तो ये एशियन पेंट के डिपार्टमेंटल नंबर मिट जाते हैं और फिगर आज भी वैसा हुआ है ना। तो इस फिगर में जो हॉर्स यहाँ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अशोक ने कलिंगा के बाद बुद्धिज्म को बढ़ाया, और इसके बाद एक सभ्यता और आई है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 3rd और 4th century AD मध्यकाल, और इस समय तक आते आते हिंदुज्म काफ़ी आगे निकल गया। राजा महाराजा जो उस समय अश्वमेघ या राज्य सूर्य यज्ञ करते थे दीदी, तो ये अश्वमेघ का घोड़ा बना हुआ दिख रहा है आपको भैया, हॉर्स यहाँ काफ़ी अच्छा है। अब ध्यान से आप देखिए, येलो कलर में फ्लावर पॉट है जिसमें ये ग्रीन लीव्स फूल आ रहे हैं ना, येलो कलर में ये कुछ फ्रूट्स भी बताए गए हैं, पर वो मैन और एक एलिफेंट का फिगर ये बहुत पुराना बना हुआ है ना, और जिस गुफा में आप गए थे ना उसका एक वेंटिलेशन यहाँ से आता है, ठीक है भैया। हाँ तो ये ग्रीन होता है स्किन ऑफ बम्बू, पीला कलर पीले से मिट्टी से बनाया है, और वाइट कलर का पहले बेस प्रिपेयर किया, तो उसमें ये लेडर है, फ्लावर है, एक स्टिक है, तो ना तो एक एक दो दो पेंटिंग सब जगह। और गुप्त काल के बाद पेंटिंग लोग अपने घरों में बनाने लगे। ये वो सभ्यताएं थी दीदी जो कई मामलों में देखी, जैसे राजस्थान हुआ या उत्तर भारत से बहुत पीछे रह गई, क्योंकि इन्हें सब कुछ फ्री में मिला, तो इन्होंने घर मकान बनाना, खेती बाड़ी करना ये बहुत बाद में सीखा भैया।
और जिस गुफा में आप थे ना उसका वेंटिलेशन यहाँ से आता है, तो पहले यहाँ कभी जो बारिश का पानी आता रहा उससे काफी फिगर यहाँ, हाँ दीदी यहाँ खुलती है, तो पानी ने देखिए यहाँ के फिगर को खराब कर दिया। देख रहा है ट्री, दिख रहा है आपको ये, है ना दीदी, और ये एक एक दो दो फिगर, ये हॉर्स राइडिंग देखिए, गुप्तकालीन फिगर्स में गॉड शिप दिखते हैं, ये हल्के से बनाए हुए त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है ना, और भी एक एक दो दो पेंटिंग है जो हवा पानी की वजह से थोड़े से खराब हो गए, तो एक एक दो दो चित्रकारियां इन जंगलों में काफी बनी हुई है ना दीदी। फिगर्स यहाँ पे भी हैं और पेंटिंग के लिए साइट फेमस है, चित्रकारी काफी है, सब बता दें। ये देखिए ना, हाँ, और कई सारे जगह ऐसी थी कि यहाँ उन्होंने फिगर बनाए है ना भैया, और कई जगह पेंटिंग्स बनने के बाद देखिए बारिश के पानी से तो फिगर खराब हुए, पर जब पुराने पेंटिंग मिटने लगे तो बाद वालों ने उसे बचाने के लिए देखिए रेड कलर से ओवरलोपिंग करा, दिखा आपको, है ना, तो उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। साथ डिस्ट्रॉय नेशन का काम हमारे यहाँ मुगल के बाद ही हुआ, उसके पहले बचाने वाला इतिहास होता था, तो पुराने फिगर का गुप्तकालीन लोगों ने ओवरलोपिंग करके दीदी बचाया है। ये देखिए इस तरफ कुछ ग्रुप फाइटिंग हो रहा है, दिखा आपको ये, और ये अशोक है ना राइडर सवारी कर रहा है, ये ऊपर के तरफ के भी कुछ फिगर हैं, तो अशोक, कनिष्का, शुंगा, कुशान, मौर्या, ये सब राजवंश में युद्ध का ज़्यादा इतिहास होता था, और वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे वो जंगल आते थे और जो देखते थे उसको बना दिए करते थे ना। बाकी ये देखिए नाइस रॉक शेल्टर कि अगर आप और हम यहाँ खड़े हों तो पानी भी यहाँ नहीं आएगा, तो ऐसे चित्रकारियाँ 15 से 20 किलोमीटर तक हैं, बहुत बड़ा इतिहास है अम्मा, बहुत बड़ा इतिहास है। आइए एक जंगल को रोक के मॉन्यूमेंट बना है, इसलिए ऐसा 10 मीटर 15 मीटर चलना पड़ता है, आप ह्यूमन आर्किटेक्चर जाते हैं किला फोर्ट स्तूप वहाँ दूर से ही सब दिख जाता है ना भैया, और ऐसे रास्ते पूरे जंगलों में नहीं बनाए गए हैं। राता पानी है जंगल का नाम, टाइगर लेपर्ड्स डियर सब कुछ हैं, पर अंदर की तरफ है ना भैया, वो देखिए ये दीदी इसी जंगल का नाम राता पानी है, पर अभी क्या दीदी सफारी अभी अक्टूबर से चालू होगी है ना। अच्छा बाकी देखिए प्लांटेशंस के रूट्स के हम बात कर रहे थे ना, तो यही जंगल नदियों को पानी भेज देते हैं। आइए तो एक एक दो दो चित्रकारी देखा दीदी, सब जगह जब बैठते थे तो फ्री समय में पेंटिंग्स बना दिया करते थे। आइए और कई जगह फिगर्स ऐसे भी रहे कि यहाँ बारिश के पानी ने, ये देखिए देख रहे हैं आप फिगर को थोड़ा सा खराब करा है, एक सुपर इम्पोज यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये देखिए हॉर्स के ऊपर राइडर सवारी कर रहा है, देखा आपको ये स्कॉर्पियन, ये डियर, ये बर्ड है, ये चिकन है, और काफ़ी सारे फिगर यहाँ तक रॉक की वैदरिंग की वजह से थोड़े से ख़राब हुए ना, तो एक एक दो दो चित्रकारियाँ सब जगह हैं, हजारों सालों तक रहेगा ऐसा कभी नहीं सोचा, सिर्फ बारिश के पानी से बचा रहे, पर रॉक ने इन सब कलर को एब्जॉर्व कर लिया है ना। और यहाँ जाइए मेरे पास है ना सर, थोड़ा सा और पास आइए दीदी, एक हॉर्स राइडिंग यहाँ पे भी है, हॉर्स ने आके, हाँ दीदी सब बना है, क्योंकि हॉर्स ने आके सभ्यताओं को जोड़ दिया, कितना पैदल जाते दीदी, पर वो लोग जिन्होंने हॉर्स को पहली बार देखा और वो लोग जिन्हें हॉर्स ही बनाने नहीं आते थे, तो इसके बनाने के तरीके को देखिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न देख रहे हैं दीदी, एक्स करके बनाना कि इसमें कमर पतला है और दुम ऊंचा है क्रॉस करते हुए, वार्ली से काफ़ी रिलेटेड है, बच्चों को पहला फिगर यही बनाना सिखाते हैं, तो जब बनाना नहीं आ रहा है तो ऐसा बनाइए, और जब आप बनाना सीख जाते हैं तो वो अश्वमेघ का घोड़ा बन गया है ना दीदी, तो सभ्यताओं को जोड़ दिया, इसलिए आज राफेल है, बुलेट्स है, पर पावर का स्टैंडर्ड 1 हॉर्स पावर है ना भैया, क्योंकि इसने सभ्यताओं को जोड़ दिया। साढ़े 700 रॉक शेल्टर्स हैं और 550 में रॉक पेंटिंग्स हैं, 15 तक ओपन है दीदी ना, और 130 रॉक शेल्टर इन्हीं में हैं, पर ऐसे रास्ते सब जगह नहीं बने हैं, कई जगह ऐसा है कि पेंटिंग से और नीचे एनिमल्स भी बैठे हैं, और बहुत सारे फिगर हमने देखे हैं, और युद्ध और शिकार के बाद फ्री समय में किए जाने वाला काम, एक आदिवासी डांस जैसे झारखंड में कर्मा, आसाम में बिहू, दीदी सांथाल होता है, एक मैन है जो हाथ में एक ड्रम लेके बजा रहा है और लोग नीचे के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सर्किल में नाच रहे हैं, कपल दीदी ये मेल और फीमेल ने दिखा आपको ये, और एक वैसा ही ग्रुप डांस वो लेफ्ट में हो रहा है, ऊपर ये बाइसन वगैरह है, ऑक्स है, काउ है, तो ये सब 5000 BC के पुराने एनिमल दीदी जिनका शिकार होता था, और ये कल्चरल एक्टिविटी सब हिस्टोरिकल हैं, और जैसे इस डांस को आप कभी क्लासिकल में चाहते हैं तो हर साल 20 फरवरी से खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, एक डेस्टिनेशन आप बना सकते हैं, पचमढ़ी जाएंगे पांडव केव्स है, यहाँ आए तो भीमबेटका, फिर यहाँ से चित्रकूट होते हुए हिमाचल या मनाली में हिडम्बा टेम्पल है। चलिए ये शैलाश्रय 12 नंबर की है,
इस शैलाश्रय में विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसों का चित्र तथा दाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखा जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधार पंक्ति में चार भागते हुए चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया है, जैसे कि वे ऊंची चट्टान से नीचे की ओर कूद रहे हों। यहाँ चित्रकार ने चित्रों की पृष्ठभूमि के रूप में चट्टान की विशेष आकृति का प्रयोग किया है ताकि जानवरों के क्रियाकलाप अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त हो सके। ये शैलाश्रय 15 है। यह शैलाश्रय देखने में छत्राक यानी मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि मुख्य रूप से एक विशाल काय वराह जंगली सुअर की आकृति के कारण प्रसिद्ध है, जिसका चित्रण जमीन से 9.85 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। इस विशाल काय जानवर के दो सींग और एक बड़ी नाक है, जिसकी समग्र आकृति से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक काल्पनिक पशु है। इसकी नाक के पास एक मानव कृति है तथा सामने की ओर एक केंकड़ा बना हुआ है। इसके पिछले पैर के पास एक भैंसे की आकृति बनी हुई है, जिसका मुंह दूसरी तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर मानव और पशुओं की आकृतियाँ हैं। पशु आकृति में भैंस, गाय, गेंडा, लंगूर आदि की आकृतियाँ प्रमुख हैं। इन गुफाओं का नाम भीम बेटिका इस वजह से भी रखा गया है क्योंकि इन गुफाओं का ताल्लुक महाभारत काल से भी है। जब महाभारत काल में जब जो पांडव थे उन्हें वनवास दिया गया था, तो वो कुछ इस तरह की गुफाओं में यहाँ रहे थे। और जो बड़ी गुफा है यहाँ पर, वो भीम की गुफा के नाम से जानी जाती है कि भीम यहाँ बैठा करते थे। इस वजह से इस स्थान का नाम भीम बेटिका रखा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भीम बेटिका की गुफाओं के बारे में, कि इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो भोपाल रेलवे स्टेशन से भीम बेटिका की गुफाएं लगभग 47 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना पर्सनल व्हीकल या फिर किसी तरह का हायर्ड व्हीकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बस से तो यहां तक पहुंच सकते हैं, एक मेन रोड तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मेन रोड से एक अलग रास्ता फटता है जो कि 3 किलोमीटर अंदर आपको आना होता है। और उस 3 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी साधन नहीं चलता, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए या फिर कोई ऐसा व्हीकल जो कि आपने हायर किया हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस 3 किलोमीटर के रास्ते में मिलेगा नहीं। और जहाँ से हम टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद अंदर जो हम भीमबेटका की गुफाओं के लिए आते हैं, ये वन्य क्षेत्र लग जाता है। तो वन्य क्षेत्र में आप बिना व्हीकल के पैदल नहीं आ सकते, आपके पास कोई ना कोई व्हीकल होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। हम सभी पहुंचे थे भीमबेटका अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू, और अभी हमारे साथ सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने भीमबेटका के इस ट्रिप को ज्वाइन किया था। और भीमबेटका जाने वाले इस 3 किलोमीटर के रास्ते पे सबसे पहले हमें एक रेलवे क्रॉसिंग नज़र आती है, और रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है टिकट काउंटर, जहाँ से हमें टिकट परचेज करना होता है भीमबेटका की गुफाओं के लिए। और अगर टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से चार्ज लगता है कि किस तरह का व्हीकल आप लेकर आए हैं। हम यहाँ बाय कार आए थे तो हमारा चार्ज लगा 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये। और अगर टाइमिंग की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहती हैं, तो इस समय पर आप यहां घूमने आ सकते हैं। और जिस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी हमने बात की थी कि हम भीमबेटका की गुफाओं के लिए पैदल नहीं जा सकते, उसका नोटिस यहां टिकट काउंटर पर भी लगा हुआ है। तो अगर आप भोपाल में भीमबेटका की गुफाएँ देखना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपना कोई भी व्हीकल, जैसे आपको स्कूटी या बाइक रेंट पे मिलती है, वो आप ले सकते हैं। इसका लगभग 300-400 रुपये रेंट रहता है, तो वो आप भोपाल से लेकर आ सकते हैं, या फिर कोई कार या कोई कैब हायर कर सकते हैं और फिर भीमबेटका के लिए आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता। और जैसा कि हमने गाइड सर से जाना कि आदिमानव काल के कुछ औजार भोपाल के स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं जो कि भीमबेटका की गुफाओं से बरामद किए गए, तो अब हम आ चुके हैं म्यूजियम के लिए, जहां पर हम देखेंगे उन औजारों को।
ये सभी औजार दिखने में तो पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन आदिम काल में यानी कि स्टोन एज में आदि मानव इन सभी औजारों से डिफरेंट तरह के कार्य किया करते थे। तो ये तो हैं आदि मानव काल के कुछ औजार जो कि आदि मानव यूज किया करते थे, लेकिन भोपाल स्टेट म्यूजियम में और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं। और इस संग्रहालय की इन सभी चीज़ों को आप एक कंबाइंड वीडियो में देख सकते हैं जिसमें कि हमने भोपाल के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो ये हैं भीम बेटिका की सुप्रसिद्ध गुफाएं। अगर आप कभी भोपाल आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।